وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ شفینا صلی علی محمد. Ah!
جب کیا جشن میرے نعت سنا تو عجب کیا سن گئے وہ مجھے پاس بولا تو عجب کیا بزم ہے جن کی جوش جنوں پاس ادب بزم ہے جن کی اس بزم میں تشریف عجب کیا جشن میرے نعت سنائے تو عجب کیا سن گئے وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے دیدار کے قابل تو نہیں چشم عجب کیا دیدار کے قابل تو کہاں چشم تمنا عجب کیا ان کا جو شمار ہوتا ہے پاکستان کے مشہور نعت و شاعروں میں اور انہیں بھی شعرا میں استاد زمن کا خطاب دیا گیا ہے. میری مراد جناب استاد ادیب رائے پوری صاحب سے ہے, سید زادے سے, اور ان کی نعت یہ فرماتے ہیں کہ میری نعت جب تک مکمل نہیں ہوتی جب اس نادیہ کلام میں میرے آنسو نہ نکل آئے. آ جشن میرے نعت سنائے تو عجب کیا سن گئے وہ مجھے پاس
पाबंदी नहीं है। इस तरह फरियाद करो, रोकर फरियाद करो, गिड़गिड़ाकर फरियाद करो। उस्ताद कह रहे हैं पास बुलाए तो अजब क्या नाज़ादे सफ़े ना कोई काम भले गुलामी का शरफ है हो गए से वो मुर्दों को जिलाए तो अजब क्या हो गए से वो मुर्दों को जिलाए अजब क्या वो हुसैन दो आलम अदीब का करम है वो हुसैन दो आलम अदीब अजब क्या। अल्हम्दुलिल्लाह।
सुबह अल्हम्दुलिल्लाह वही मंजर देखने में आ रहा है जो अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद करीम जब खिताब के लिए अपने घर से यहाँ मिंबर पर जलवा फरोज हुआ करते थे तो वो चेहरे नज़र आ रहे हैं जो हजरत के आने से कबल ही यहाँ पर खिताब सुनने के लिए बेकरार होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा फजल व करम हम पर फरमाया कि हमें ऐसी हस्ती अता फरमाई जो अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं कि मुर्शिद करीम के बाद वैसी ही अल्लाह ताला ने हमें हस्ती अता फरमाई है जो हमारे मुश्फी भी हैं मेहरबान भी हैं और जिनका अंदाज़े खिताब मुर्शिद की तरह है कि वो सिर्फ खिताब नहीं करते बल्कि ऐसा लगता है कि अपने सामने शागिर्द बैठे हैं और एक उस्ताद की हैसियत से उन्हें सबक पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबक पढ़ाना भी ऐसा है कि आप घर चले जाएंगे तो आपको याद रहेगा कि आज मुफ्ती साहब ने हमें सबक ये याद कराया है। नारों से इस्तकबाल कीजिए अपने मुश्फी को मेहरबान उस्तादुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद आसिफ मदनी दामर बरकातुल कुदसिया का। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकीर नारे गौसिया उलमा अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والقران الحميد خذوا زينتكم عند كل مسجد وقال تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين। نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا من لم يشكر الناس لم يشكر الله کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। आपने बड़ी मोहब्बत के साथ तआरुफ करवाया और आपकी मोहब्बत है कि आप इतनी इज्जत अफजाई और कदर अफजाई करते हैं। मैं इस सिलसिले में आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन बदल अता फरमाए, आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी और सुरखरुई से सरफराज फरमाए। और ये हकीकत यह है कि हम किसी काबिल नहीं होते हैं, ये अल्लाह की इनायत होती है, उसका एहसान होता है कि वो अपने किसी भी बंदे को किसी भी काम के लिए मुख्तस फरमा ले। लिहाजा वो काम लेता है और हम काम कर रहे होते हैं तो हकीकतन तारीफ के लायक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक है। मैंने अक्सर फतावा रज़विया के मसाइल को पढ़ाते हुए और वैसे भी मुताले के दौरान आला हज़रत की ज़बरदस्त तहकीकात का जब मुताला किया तो तहकीक के बाद आला हज़रत फरमाते हैं कि ये इतरे तहकीक है और इन सुतूर के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन फौरन लिख देते हैं वलिल्लाहिल हम्द कि इसमें ज़रा सा खुदी का मामला है कि मैंने किया है, मैंने ये रिज़ल्ट निकाला है, ये तहकीक मेरी है और इन सुतूर के अलावा और कहीं पर भी आपको एक जगह ये जमा नहीं मिलेगी। तो इसमें जैसे खुद पसंदी का शायबा है, फौरन बुजुर्गान दीन कह देते हैं वलिल्लाहिल हम्द या कह देंगे वबिल्लाहित तौफीक, अल्लाह ही के लिए हम्द है, तारीफ तो उसी की है कि वही काम लेता है, वही जहनों में डालता है। वरना आपने गौर फरमाया होगा कि बाज़ औक़ात हमारे जहन में कोई बात होती है, वो जबान पर आ रही होती है और अचानक हम भूल जाते हैं, अल्लाह ताला उसको जहन से निकाल लेता है, फिर थोड़ी देर बाद याद आना होता है तो वो आ जाती है, हाँ हाँ याद आ गया और फिर बता देता है। तो अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, वो जहनों में डालता है, वो सलाहियत अता फरमाता है और वो जिससे चाहे काम लेता है। तो हकीकतन तारीफ के लायक वही ज़ाते वहदहु ला शरीक है और हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस बात की तौफीक अता फरमाई।
जैसा कि आपके इल्म में है कि पिछली दो नशिस्तों में हमने हज का बयान किया, फिर रमज़ान के मुबारक अयाम थे और रमज़ान अभी नया नया गया था, तो हमने मुत्तकीन की सिफात के मुताल्लिक कलाम किया कि भाई जो जन्नती लोग हैं अल्लाह ताला ने उनका तारुफ़ करवाया, उनको मिलने वाले इनामात का तारुफ़ करवाया और उनकी आठ खूबियाँ गिनवाई, तो वो एक एक खूबी आपके सामने वजाहत के साथ जिक्र की गई। फिर हज के अयाम के सिलसिले में दो नशिस्तें हुई ताकि जो लोग सुस्ती का शिकार हैं वो इस सिलसिले में तवज्जो करें और अल्लाह का नाम लेकर इस फ़र्ज़ को अदा करने के लिए मुस्तैद हो जाएं। हम अब फिर उसी अपनी तरतीब पर लौट रहे हैं कि जिस तरतीब पर हमने इस दर्स को छोड़ा था, यानी शरायत नमाज। नमाज की शरायत में अक्सर शरायत मुकम्मल हो चुकी थी, सिर्फ सितरे औरत का बयान और इस्तक़बाले किबला का बयान बाकी था। तो उस सिलसिले में अल्लाह ताला ने कुरान अजीम में फरमाया, खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, कि हर नमाज के वक्त अपनी जीनत को इख्तियार करो, यानी लिबास का हुक्म दिया जा रहा है। और यहाँ मस्जिद से मुराद नमाज का लिखा है मुफस्सरीन ने कि हर नमाज के वक्त अपनी जीनत को इख्तियार करो। तो ज़ाहिर मजमून से ये बिल्कुल इबारत से बात वाज़े होती है कि जब भी अल्लाह ताला की बारगाह में बंदा हाजिर हो तो उसके लिए ज़ाहिरी एतबार से भी एहतमाम होना चाहिए। कि हम किसी दावत में जाते हैं तो वहाँ के लिए भी बड़ा एहतमाम करते हैं, साफ़ सुथरे उजले कपड़े होते हैं और हर तरह का एहतमाम करके हम वहाँ जाते हैं। इसी तरह से अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िरी के लिए भी खुसूसी एहतमाम के साथ कम से कम उजले साफ़ सुथरे कपड़े हों, इत्र वगैरह मैसर हो तो वो भी लगा कर आएँ और एहतमाम के साथ हाजिर हों। बाज़ औक़ात फजर में खुसूसियत के साथ ये देखा जाता है कि वही स्लीपिंग ड्रेस पहन कर आ जाते हैं, इसमें अजीब ऊल पटांग किस्म का पैजामा होता है और टी शर्ट होती है, तो आदमी देखने में अजीब लग रहा होता है। अगरचे ये सितरे औरत का फ़ायदा तो देगा कि जिस्म तो ढका हुआ है, नमाज तो हो जाएगी, लेकिन बहरहाल गैर मुनासिब है कि इसी हालत में आप किसी दावत में नहीं जा सकते। तो लिहाजा अगर मखलूक के सामना करने से आप इस हालत में कतराते हैं तो खालिक तो इस बात के ज़्यादा लायक है कि उससे हया की जाए और एहतमाम के साथ आया जाए। दो कपड़े बदलने में कितनी देर लगती है, बस ये सुस्ती होती है जिसकी वजह से हम ये मुसलसल कर रहे होते हैं। एक होता है ना, वक्त जमात निकल रही थी और जल्दी से मौका नहीं मिला, तो पता चला कि भाई ये आदमी तो हमेशा दूसरे लिबास में आता है, आज लगता है कि जमात को पकड़ने के लिए इसने जल्दी जल्दी में लिबास तब्दील नहीं किया, लेकिन आदि है वो इस तरह का लिबास पहन कर आ जाता है। तो उसको तवज्जो करनी चाहिए कि अल्लाह ताला की बारगाह के आदाब हैं, लिहाजा खुसूसी एहतमाम के साथ वहाँ हाजिर होना चाहिए। और ख़वातीन के लिए फरमाया, वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, और ना जाहिर करें औरतें अपनी जीनत को मगर वो जो आदतन जाहिर है, यानी चेहरा आदतन जाहिर है। इसी तरह हाथ, हम लिबास भी पहनते हैं तो हमारा चेहरा हम बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि जाहिर है, गुफ्तगू करनी है, देखना है, तो चेहरा शनाख्त के लिए और दीगर उमूर के लिए ज़रूरी है, उसको ढका नहीं जा सकता। इसी तरह हाथ हैं कि उनसे इंसान काम लेता, इसी तरह पैर हैं कि उससे चलता है, तो उसको लिबास में कवर नहीं कर सकता। तो ख़वातीन के लिए इन आज़ा का इस्तिस्ना है और बाकी उनका पूरा जिस्म औरत है, यानी छुपाने की चीज़ है, इल्ला ये कि वो तन्हाई में हों, जिसकी तफसील अभी जिक्र कर दी जाए। तो सितरे औरत शरायत नमाज में से, और पहले भी आपको बताया कि जब शर्त का लफ्ज़ आएगा तो आपके जहन में ये तसव्वुर वाज़े हो जाना चाहिए कि शर्त नमाज से पहले की चीज़ है, और जब फ़र्ज कहेंगे तो वो नमाज के अंदर वाली शय का जिक्र किया जा रहा है। सितरे औरत वाजिब है उमूमी हालत में, यानी हर हाल में अपना जिस्म तो छुपाना ही छुपाना है, उसको जाहिर नहीं कर सकते, चाहे इंसान तन्हाई में ही क्यों ना हो। तो बाज़ औक़ात बाज़ लोग बड़ी बेपरवाही का मुजाहरा करते हैं और इस सिलसिले में तवज्जो नहीं करते। हाँ, ये ज़रूर है कि मर्द का सितर नाप से लेकर, नाप उसमें दाखिल नहीं है,
घुटनों समेत है, लिहाजा इस हिस्से का तो तन्हाई में भी छुपाना वाजिब होता है। और ख्वातीन के लिए तमाम तर जिस्म जो है वो सितर है, नमाज के लिए उसका एहतमाम करना होगा, लेकिन अगर वो तन्हाई में हैं तो उनको भी नाप से लेकर घुटनों समेत ये हिस्सा छुपाना लाजिम होता है। बाकी अगर वो तन्हा है तो उनका मामला अलहदा है। इसकी शरई हैसियत जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि आम हालात में जब वो तन्हा है तब भी सितर वाजिब है, लेकिन नमाज में बिल इजमा सितर फ़र्ज है और फ़र्ज तर्क होगा तो नमाज होगी ही नहीं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि मर्द का सितर नाप से लेकर घुटनों समेत है, तो अगर इसमें कोई एक सितर की चौथाई खुल गई तो फिर नमाज नहीं होगी। यानी सितर की चौथाई अगर खुल गई, मिसाल के तौर पर रान का चौथाई हिस्सा खुल गया, तो फिर खुद ब खुद खुल गया तो तीन सुभान अल्लाह की मकदार की इजाज़त है। अगर उसमें उसने ढक लिया छुपा लिया तो नमाज हो जाएगी, और अगर खुद जानबूझकर खोला है तो फिर कोई मोहलत नहीं मिलेगी, नमाज फासिद हो जाएगी। तो इस हिस्से का छुपाना लाजिम और फ़र्ज होता है। आप कहेंगे ये तो बिल्कुल आसान सी बात है और नमाज में ये हिस्सा बिल्कुल छुपा हुआ होता है, लेकिन असल ये है इसमें कि एक तो ये है कि जैसा कि मैंने मसला जिक्र किया कि एक हिस्सा उसकी चौथाई, तो अब मर्द के सितर के कुल कितने हिस्से हैं वो मालूम हो कि भाई हर हिस्से का पता हो और उसकी चौथाई, तो बाज हिस्से सितर के बड़े हैं जैसे रान जो जोड़ से शुरू होती है और घुटने समेत, ये एक हिस्सा है। तो अगर रान पूरी रान की चौथाई खुलेगी तब नमाज फासिद होगी, इससे कम में कम अगर खुल गया तो नमाज फासिद नहीं होगी, और घुटने इसमें शामिल हैं। अब घुटना अगर पूरा खुला रहा तो वो रान की चौथाई के बराबर नहीं होता, बल्कि दोनों घुटने भी खुल जाएं तो उसको भी देखेंगे तो रान की चौथाई के बराबर नहीं होंगे, लिहाजा नमाज हो जाएगी। तो हमें आज़ा का मालूम हो कि कौन सा कौन कौन से उज्व अलहदा अलहदा आज़ा हैं सितर के, और फिर उनकी चौथाई का अंदाज़ा लगाया जाएगा तो फिर इंसान उसमें फ़र्क कर सकता है। इसी तरह से नाफ से लेकर उज्व तनासुल की जड़ तक ये लंबाई और फिर पूरी गोलाई जो है यहाँ तक, ये एक उज्व है। अब इसमें होता यह है कि आप जैसे जहन में सवाल आ रहा होगा कि भाई कपड़े तो पहने ही होते हैं ना, इतनी तफसील की हाजत क्या है। असल में इसमें मसला ये है कि ऐसा लिबास कि जो बहुत ज़्यादा बारीक हो, जिससे सितर झलकता हो, बाज़ोकात सफ़ेद कपड़ा बहुत बारीक गर्मी की वजह से लोग पहने हुए होते हैं, जिससे शलवार के अंदर का हिस्सा दिखाई देता है। चलो ऊपर तो कमीज आ गई, लेकिन वो जब सजदा करेंगे रुकू में जाएंगे तो शलवार इतनी बारीक होती है और कमीज भी इतनी बारीक होती है, तो चलो ऊपर का मामला तो अलहदा है, वो सितर में दाखिल नहीं है, लेकिन नाप से लेकर घुटनों समेत ये पूरा सितर है। तो अगर जिस्म झलकेगा तब भी ये पहनना नहीं है, पहनना ना पहनना ही है। तो बाज़ोकात हम लिबास ज़ाहिरी तौर पर तो पहने हुए होते हैं, लेकिन शरीयत उसको तस्लीम नहीं करती है कि आपका पहनना ये ना पहनना है, लिहाजा कपड़ा बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमारे जो भाई पैंट शर्ट पहनते हैं वो ख़ास तवज्जो करें कि वो जब नमाज पढ़ते हैं वो अपनी पैंट जो है आजकल यहाँ बांध रहे होते हैं, पहले तो ऊपर बांधी जाती थी, अब वो यहाँ बांध रहे होते हैं। और चलो शर्ट अगर अंदर डाली हुई है तब तो ठीक है कि रुकू में झुकेंगे तब भी कमर का हिस्सा नजर नहीं आएगा, जो नाफ के नीचे वाले हिस्से के बिल्कुल पीछे है वो सितर में दाखिल है। तो अब वो टी शर्ट निकली हुई है या कमी शर्ट निकली हुई है, पैंट एक पहले से ही नीचे बांध रखी है, तो बहुत सारा हिस्सा जो है वो शर्ट के नीचे है और शर्ट अंदर है नहीं कपड़ों के। अगर वो रुकू करेगा और ये टी शर्ट और शर्ट खिसक कर आगे बढ़ गई और कमर का हिस्सा नजर आने लग गया और तीन सुबहानल्लाह की मकदार ये खुला रह गया तो नमाज फासिद हो जाएगी। अब बज़ाहिर तो ये कपड़े पहने हुए है या नहीं है, अपने तौर पर समझ रहा है मैंने नमाज पढ़ी, तो बेचारा मेहनत भी कर रहा है, आया वक्त लगाया वजू किया और सारी मेहनत करने के बाद नमाज फासिद हो गई। तो लिहाजा इन शराइत का लिहाज जरूरी है और गहराई के साथ जब इसको समझ लेंगे एक बार तो फिर हमें जब मालूम होगा तो ये गलती हम करने से बच जाएंगे और ये उमूमी तौर पर ये खताएं नजर
आती हैं। जैसे अमल कसीर के बारे में आपको बताया था कि दोनों हाथों का इस्तेमाल अगर कर लेगा तो दूर से देखने वाला समझेगा ये नमाज में है ही नहीं। और ये आप भी अक्सर देखते होंगे कि वुजू करते हुए जल्दी जल्दी आ गए, आस्तीनें चढ़ी हुई हैं, पहले भी बताया था, शामिल हो गए और अब नमाज के दौरान वो दोनों हाथ इस्तेमाल करके आस्तीनें नीचे कर रहा है तो दूर से देखने वाला क्या उसको नमाज में समझेगा? ये तो नमाज फासिद कर दी। अब इस कौन सी वजह चीज वजह बनी इसकी नमाज के फसाद के? ला इल्मी, ये जानबूझकर तो अपनी नमाज को जाया करने तो नहीं आया था ना, ये तो नमाज पढ़ने आया था। उन लोगों से तो बेहतर है कि जो नमाज को बिल्कुल सरफे नजर करते हैं और उसको कोई माजल्ला अहमियत नहीं देते हैं। तो ये बेचारा खुदा का खौफ करके आ गया लेकिन ला इल्मी की वजह से इसने अपनी मेहनत को जाया कर दिया। तो लिहाजा इल्म तो कदम कदम पर हमें इल्म की जरूरत तो पड़ेगी। उसका सबब यह है कि ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम अकल के जरिए से नहीं जान सकते थे, ये खालिक कायनात ने अपने नबी के जरिए से हमें समझाया है। तो जो चीज अकल के जरिए से नहीं जान सकते थे उसमें बगैर सीखे आप उसको सही तरीके से किस तरह से कर सकते हैं? तो लिहाजा इस सिलसिले में इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि हमारी संजीदगी किस दर्जे की है इबादात को सीख कर करने के सिलसिले में, बिल्कुल भी नहीं। यानी हम बड़े हो जाते हैं लेकिन उसके बावजूद किसी मदरसे में किसी आलिम दीन के पास जाकर के भाई जो मुझ पर इबादात लाजिम हैं वो आप जरा मुझे सिखा दें, मैं सीख कर ये सारी चीजें करूं, इसका कोई एहतमाम नहीं होता। ये शऊर उजागर करने की कोशिश है। मैं बारहा आपकी खिदमत में ये जिक्र करता हूँ ताकि आप ये सुने और आप अपनी औलाद तक इस बात को मुंतकिल करें ताकि वो आने वाली नस्लें जो हैं वो इस खता में मुबतला होने से महफूज हो जाए, क्योंकि फिर अल्लाह ताला की बारगाह में जाकर वापसी तो मुमकिन नहीं है कि वो गलतियां हो गई थी मैं वापस जाकर सही करके आ जाता हूँ, ऐसा नहीं है। लिहाजा इन चीजों को मामूली नहीं समझना चाहिए। हमारे जहनों में बस वही चीज होती है अल्लाह गफूर रहीम, यार पढ़ तो रहे हैं ना, अब वो बेचारा क्या भाई अल्लाह पे एहसान तो नहीं कर रहे हो ना, पढ़ तो रहे हैं ना, और इतनी इतनी बारीकियां थोड़ी होती हैं। तो ये अल्लाह के नबी ने हमें सिखाया है, सितरे औरत फर्ज करार दिया तो मजबूत दलाइल की रोशनी में इस चीज को फर्ज और शर्त करार दिया है, अपनी तरफ से तो नहीं करार दे दिया कि फुकाहा ने जमा होकर चलो इन चीजों को फर्ज करार दे देते हैं, नहीं, बल्कि दलाइल की रोशनी में कुरान और सुन्नत का ये निचोड़ है। ये जो मसाइल आपको बताए जाते हैं ये कुरान और हदीस का निचोड़ होते हैं। कभी भी किसी एक कुरानी आयत से या कभी किसी एक हदीस से कोई मसला साबित नहीं होता, किसी मौजू से मुतालिक तमाम आयात को जमा किया जाता है, उस मौजू से मुतालिक तमाम अहादीस को एक जगह जमा किया जाता है और फिर एक नतीजा मुरतब किया जाता है। इसमें कितनी मेहनत दरकार होती होगी, फुकाहा ने सारी सारी जिंदगियां लगाकर एक निखरी हुई सुथरी आसान तस्वीर हमारे सामने रख दी ताकि हम उस निचोड़ को समझें, सीखें और आसानी के साथ सीख कर फिर अपनी इबादत को दुरुस्त कर सकें। तो अगर हम इस चीज को अहम नहीं समझेंगे तो जाहिर है तवज्जो के साथ सुनेंगे नहीं, जब तवज्जो के साथ सुनेंगे नहीं तो याद भी नहीं रहेगा और वो गलतियां जो पहले मौजूद थी इस दर्स के बाद भी अपने मकाम पर मौजूद रहेंगी और हम इस दर्स की बरकात को हासिल नहीं कर सकेंगे। लिहाजा इस एतबार से तवज्जो जरूरी है कि अगर कोई चीज आपको सिखाई जा रही है तो आप गौर से समाअत फरमाएं, उसको नोट कर लें, अब तक जो हुआ उसकी इसलाह करें और अल्लाह से तौबा करें और अब आज के बाद जो चीज़ आप सीखते चले जा रहे हैं उसको अपनी जिंदगी में शामिल करके अपनी इबादत को बिल्कुल उसी तरह से कर ले जिस तरह से अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें समझाया है। तो इसीलिए इन आज़ा का बयान किया जाता है। तो मर्द में आज़ाए सितर 9 आज़ा हैं। अब ये 9 आज़ा में कोई उज़्व छोटा है कोई बड़ा है, लिहाजा जैसे ये 2 राने ये हिस्सा आपको बता दिया कि नाफ से लेकर उज्व तनासुल की जड़ तक ये लंबाई और फिर ये पूरा पीछे तक ये पूरी गोलाई एक उज्व है। तो अगर किसी का कोई हिस्सा खुला रह गया तो वो अब अंदाजा कर सकता है कि भाई इतना बड़ा एक उज्व है तो इसकी चौथाई खुली या नहीं खुली, तो अंदाजा कर ले कि चौथा हिस्सा खुल गया है तो अब वो अंदाजा कर सकता है कि नमाज फासिद हो गई, मुझे दोबारा पढ़नी होगी। तो कम से कम वो वक्त में पढ़ तो लेगा, कजा का गुनाह तो उस पर नहीं होगा। और फिर जब उसको पता ही नहीं चलेगा तो वो अपने तौर पर तो समझ रहा है मैंने पढ़ ली है, हालांकि उसकी नमाज तो फासिद हो चुकी थी तो उसने नमाज पढ़ी ही नहीं है, बेचारा समझ रहा है मैंने पढ़ ली है। अब मैदान माशर में जब हाजिर होगा और कहेगा चाहेगा कि मेरा इस नमाज का सवाब अजर और बदला मुझे दिया जाए और उस वक्त बताया जाए कि वो नमाज तो नमाज थी ही नहीं,
तो मजदूरी करने के बाद जब मजदूरी ना मिले और बताया जाए कि भाई ये तुमने जो दीवार तुम्हें बनाने के लिए दी थी ये ऐसी कोई कही थी, इसमें तो ये तुमने नक्श छोड़ दिया, तुमने तो हमारा मटेरियल भी जाया कर दिया, बजाय इसके कि तुम्हें मजदूरी दी जाए तुम मटेरियल के पैसे हमको दो, ऐसा होता है या नहीं? तो जिस तरीके से कहा गया है उस तर्ज पे करके जाएंगे तो जो अजर अल्लाह ने और उसके हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से बयान फरमाया है अल्लाह के फजल से बंदा उसका हकदार हो जाएगा। तो किस कदर बड़ा नुकसान है ला इल्मी की सूरत में, लिहाजा जानना जरूरी है। बस जानने को तो आप गिरह से बांध लो, जाने बगैर कोई चारेकार नहीं है। किसी दफ्तर में भी जाते हैं, पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे, शनाख्ती कार्ड ऑफिस जाएंगे, लाइसेंस ऑफिस जाएंगे, मालूमात का काउंटर पहले बना होता है, वहां जाकर इंफॉर्मेशन लेंगे कि भाई कहां से शुरू करना है, किसके पास जाओ, वरना लगाते रहो चक्कर, जहां खड़ा होना है लाइन में नहीं, वहां नहीं खड़ा हुआ दूसरी जगह खड़ा हो गया, एक घंटे बाद नंबर आया तो पता चला कि ये तो आपकी लाइन ही नहीं थी, आपको तो वहां से आना चाहिए था। तो मालूमात काउंटर पर पहले जाता है, इसीलिए इबादत भी बगैर इल्म के बहुत ज्यादा खतरे से दोचार रहती हैं, तो इसको संजीदगी से इंसान को लेना चाहिए। लिहाजा ये 9 आज़ा जो हैं, इसका 8 आज़ा फुकहा ने लिखे लेकिन आला हजरत ने तहकीक के जरिए एक उज्व को और मजीद बढ़ा दिया। एक उज्व तो मैंने, अब वो जब उसको उज्व का पता चल जाएगा तो वो चौथाई का अंदाजा करके अपनी नमाज के फसाद फासिद हुई या नहीं हुई उसका अंदाजा लगा लेगा। और ज्यादातर ये इसमें होगा कि जब हम बारीक कोई कपड़ा पहन लेते हैं तो उसमें हमें शुबा रहेगा। और आपने ये गौर फरमाया होगा कि बाज कपड़े ऐसे होते हैं कि उस पर पानी लगे तो वो जिस्म से चिपक जाए तो जिस्म बिल्कुल जाहिर होने लग जाता है। तो इस तरह का लिबास जो है वो पहनने और ना पहनना दोनों बराबर है। लिहाजा ये समझ रहा होता मैंने नमाज जो है कोई ऐसे सितर का मसला नहीं हुआ और मैंने नमाज पढ़ ली, लेकिन हकीकत ये है कि उसको गौर करना चाहिए कि अगर कपड़ा बहुत बारीक है और जिस्म झलक रहा है तो फिर ये पहनना ना पहनना ही है, लिहाजा नमाज नहीं होगी। तो इस सिलसिले में बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। रान का आपको बता दिया, ये पूरा पूरे दो उज्व, हर रान अलग अलग उज्व है, हर सुरेन यानी बैठने का जो मकाम है वो अलहदा अलहदा सितर है, छोटे और बड़े पेशाब के मकाम ये अलहदा अलहदा सितर है। इन दोनों मकामात के दरमियान जो जगह है आला हजरत ने लिखा कि ये भी एक मुकम्मल मकाम सितर है, उन सयन ये एक मुकम्मल मकाम सितर है, लिहाजा ये चौथाई हिस्सा इसका खुल जाएगा तो अब नमाज फासिद हो जाएगी। तो बाज़ोकात लिबास बाद में पता चला कि लिबास कहीं से सिलाई निकल गई थी, अब वो गौर करे कि भाई इतनी अगर सिलाई निकल गई है कि चौथाई हिस्सा जाहिर हो रहा होगा तो फिर उसको नमाज दोहरा लेनी चाहिए। हाँ ये अलग बात है तो उसको मालूम ही नमाज का वक्त निकलने के बाद मालूम हुआ, लेकिन जब मालूम हो गया तो उसको एहतियातन ये गौर करना चाहिए कि भाई ये तो ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें कहीं ऐसा ना हुआ हो कि मेरी नमाज ही फासिद हो चुकी हो। तो लिहाजा कपड़े भी पहले से देख भी लेने चाहिए ताकि ये बद एहतियाती ना हो। औरतों में आज़ाए सितर जो है यानी उसका पूरा जिस्म ही औरत है, सिर्फ चेहरे की ये टिकली यहां तक जो है वो जाहिर हो, दोनों हथेलियां और दोनों पैर ये जाहिर हो और इसके अलावा उसका तमाम बदन छुपा हुआ होना जरूरी, हत्ता की हथेली की पुश्त भी नहीं नजर आनी चाहिए नमाज के दौरान। इसीलिए खवातीन को आपने देखा होगा घर की खवातीन जब नमाज पढ़ती है तो चादर में अपने हाथों को रखती हैं, लिहाजा ये नजर चादर भी इतनी हो ऐसी हो कि ये झलके नहीं, पता चला वो चादर छुपाने के लिए थी और चादर ही इतनी बारीक है कि उसमें से नजर आ रहा, और सफेद चादर में बिल्कुल जिस्म नजर आएगा क्योंकि बहुत बारीक चादरें औरतें लेती हैं। इसी तरह से सर के बाल जो हैं वो भी औरत हैं, छुपाने की चीज, औरत का मतलब होता है अरबी में छुपाने की चीज, तो जब मैं औरत कहूं तो आप वो औरत मत समझिएगा, आप समझिएगा छुपाने की चीज। तो सर के बाल भी औरत हैं यानी छुपाने की चीज हैं, लिहाजा सर के बाल अगर खुले रह गए या इस तरह से चादर बांधी के बाल नजर आ रहे हैं, क्या चादर इतनी बारीक थी कि बालों की सियाही नजर आ रही है, नमाज नहीं होगी, नमाज फासिद हो जाएगी। तो लिहाजा आप अपने घरों में भी तवज्जो फरमाएं कि खवातीन जो चादर इस्तेमाल कर रही हैं उस चादर का इतना दबीज और मोटा होना जरूरी है कि वो सितर का फायदा भी दे, जिस चीज को छुपाना है उसके छुपाने का फायदा भी दे। औरतों का जो कान है ये भी पूरा एक सितर है,
हर कान एक क्षेत्र है, लिहाजा कान भी वो कवर करेंगे। और अगर कान का कोई हिस्सा खुल गया और वो इसके चौथाई हिस्से के बराबर खुल गया तो नमाज फासिद हो जाएगी। अब वो खुद ब खुद खुल गया, चादर खुल गई थी और कान जाहिर हो गया और उसने फौरन छुपा लिया तीन सुबहान अल्लाह की मकदार से पहले, तब तो इसकी नमाज बच गई। लेकिन जानबूझकर खोलेगी तो जानबूझकर खोलने में कोई मोहलत नहीं दी जाती, बल्कि खोलते ही नमाज फासिद हो जाएगी। लिहाजा इन चीज़ों की रियायत करनी चाहिए। घुटना भी, जैसा कि आपकी खिदमत में अर्ज किया कि घुटना भी सितर में दाखिल है, रान का हिस्सा, इसमें उलमा का इख्तलाफ है लेकिन इत्तेफाक इसी पर है कि ये सितर में दाखिल है। लिहाजा उलमा ने फरमाया कि अगर आम हालात में किसी को घुटना खोला हुआ देखे और ये तंदूर पर रोटी पकाने वाले का आप मंजर देख लो तो आपको समझ आ जाएगा कि वो बेचारा गर्मी की वजह से ये कर रहा होता है, तो उसको प्यार मोहब्बत से समझाया जा सकता है। इस सिलसिले में फुकहा ने सख्ती करने से मना फरमाया। लेकिन वो बिल्कुल रान का, घुटने के बाद का हिस्सा अगर जाहिर हो रहा है तो फिर उसको सख्ती से जो मना कर सकता है उसको मना करना चाहिए। होटल के मालिक को उसको मना करना चाहिए कि भाई अपने इस हिस्से को ढांपो, क्योंकि इसका इसका जाहिर करना ये हराम है और जो इसकी आदत बना लेता है वो फासिक कहलाता है। फासिक मुअलिन यानी ऐलानिया फिस्क करने वाला, नाफरमानी करने वाला। तो जितने हिस्से का अल्लाह ने छुपाने का हुक्म दिया है, अगर छुपाएंगे तो अल्लाह के हुक्म पर अमल है और नहीं छुपाएंगे तो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी है और अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी, ये फिस्क कहलाता है और फिस्क करने वाला फासिक कहलाता है। लिहाजा जो समझा सकता है उसके लिए लाजिम है कि वो समझाएगा। तो अब आप अपने अतराफ में, ये तो चलो एक खास सिचुएशन में गर्मी की वजह से ये कर रहा है, उसको प्यार मोहब्बत से आपने समझा दिया, लेकिन आदमी खुद बाज़ औक़ात इतने इतने शॉर्ट्स आ गए हैं छोटे के, वो बाइक अब मतलब वो शर्म हया भी वो नहीं रही ना कि जिसम ढांप लें या ऐसे ही उठ के आ जाएंगे तो इसमें कोई हर्ज महसूस नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि वो जिस्म का ये हिस्सा उनका जाहिर ना होने पाए, वरना खामखा गुनाहगारी लाजिम आती है। नेकियां तो हम कर नहीं पाते हैं खाते में जमा, और खामखा अपने खाते में गुनाह लिखवाता बंदा चला जाए तो फिर जब अल्लाह की बारगाह में इस बारे में सवाल होगा तो फिर इंसान फंस सकता है। लिहाजा मोहताज जिंदगी गुजारनी चाहिए। तो आप गौर करें कि जो जो ये शॉर्ट्स पहनता है तो खुदा रहा इन शॉर्ट्स को जरा आगे तक कर ले, निस पिंडली तक ले जाए, क्योंकि निस पिंडली तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना तहबंद मुबारक बांधा करते थे, निस पिंडली तक। तो ये लिबास जो है ये यानी जेर जामा जो है जो हुजूर तैबन की सूरत में इस्तेमाल फरमाते थे वो निस्पिंडली तक अगर करेंगे और सुन्नत का इरादा होगा इतना रखने के एतबार से, लिबास तो बहरहाल हुजूर ने तहबंद बांधा है और सहाबा किराम को पजामा पहनने की मशवरा इनायत फरमाया और सहाबा ने पहना भी है पजामा, तो निस्पिंडली तक सुन्नत है और टखनों से ऊपर ऊपर तक इसकी हद है, जो सुन्नत हद है। टखनों को छुपाएंगे तो ये मुनासिब नहीं है, और तकब्बुर की नीयत से जो टखनों को छुपाता है उसके बारे में ये वईद है, नबी करीम ने फरमाया कि अल्लाह ताला कयामत के दिन उसकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएगा और ये फिर आग में है। और भी मजीद वईदें हदीस पाक में इरशाद फरमाई गई, लेकिन जो तकब्बुर की वजह से नहीं ऐसे ही करता है तो मकरूह तंजीही है, हल्का सा मकरूह है, उस शख्स को जरा एहतियात करनी चाहिए और वो जरा ऐसे कपड़े सिलवाए के टखने उसके खुले रहें तो ये मुनासिब है। लेकिन सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हुजूर ने ये बयान फरमाया तो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर मेरा तहबंद में बारहा कोशिश करता हूँ लेकिन टखनों से नीचे ही हो जाता है, तो मैं क्या करूँ? तो हुजूर ने फरमाया तुम इन लोगों में से नहीं हो बल्कि वो लोग के जो तकब्बुर से अपना तहबंद लटकाते हैं। तो इसका मतलब है टखनों से नीचे तकब्बुर की इल्लत के सबब, तकब्बुर की नीयत से अगर लटकाएगा तो फिर वो वईद जो हदीस पाक में बयान की गई कि अल्लाह ताला उनकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएगा कयामत के दिन, ये उन लोगों के लिए जो तकब्बुर की नीयत से टखनों से नीचे अपना लिबास लटकाते हैं। लेकिन वैसे भी अगर लटकाएगा तकब्बुर की नीयत नहीं होगी तो फुकहा ने इसे मकरूह तंजीही लिखा है। मकरूह तंजीही का मतलब होता है कि ना करो तो अच्छा है लेकिन अगर करोगे तो शरीयत इस पर गिरफ्त नहीं फरमाएगी, मशवरा है कि ना किया जाए क्योंकि ये हराम से मुशाबहत रखता है। तो तकब्बुर से लटकाना ये हराम है
अब तकबर नहीं है लेकिन शक्ल तो वही वाली है कि टखनों से नीचे कपड़ा तो है, तो सूरतन मुमासलत है इसलिए इसको मकरूह तंजीही करार दिया। तो बेहतर सूरत वही है जो आपके और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीक़ा कार है। लिहाजा ये जो चंद चीज़ें आपकी खिदमत में जिक्र की उसका ख्याल रखना ज़रूरी है लिबास के सिलसिले में, ताकि सितरे औरत के मामले में हमसे कोई गलती ना हो और हमारी नमाज फासिद ना हो। इसके बाद आखिरी शर्त है इस्तक़बाले क़िबला, क़िबले की तरफ रुख करना। ये बिल्कुल आसान सी बात है, आप जानते हैं क़िबले की तरफ रुख कर कर ही आप नमाज की इब्तिदा करते हैं, लेकिन इसमें क़िबला किस तरफ, कितना क़िबला है, अगर थोड़ा सा बंदा घूम जाए, किसी का धक्का लग गया और थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो गया तो कितनी हद तक वो क़िबले ही की समत समझा जाएगा और उसकी नमाज हो जाएगी, और कितना ज़्यादा घूम जाए तो नमाज ही फासिद हो गई, इसको जानना ज़रूरी है। लिहाजा हम जिस समत में भी नमाज पढ़ रहे होते हैं वो हमारा सेंटर पॉइंट होता है सीधा, और इस ये खत अगर यूं खींच लें तो ये सीधा हम जब जिस समत में खड़े हुए हैं इस पर नीचे एक खत खींच लिया, फिर एक खत यूं और एक खत यूं खींचा, अब ये जो बीच का हिस्सा जो है ये गोलाई, ये 45 डिग्री का एंगल होता है। लिहाजा आप जहां पर खड़े हैं उससे जितना आप घूमे तो 45 डिग्री के अंदर ही हैं तो आप क़िबले ही की तरफ हैं, और 45 डिग्री के बाहर निकल गए दोनों तरफ से, इस तरफ धक्का लग गया यूं मुड़ गए, इस तरफ धक्का लग गया यूं मुड़ गए, तो 45 डिग्री से इससे बाहर निकल गए तो फिर आप क़िबले से फिर गए और नमाज नहीं होगी, लेकिन 45 डिग्री के अंदर हैं तब नमाज हो जाएगी क्योंकि आप क़िबले से फिरे ही नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बंदा क्या पहले लाइनें खींच ले, स्केल रखे और 45 डिग्री वगैरह का हिसाब रख ले, ये तो बड़ा मुश्किल है, हर्ज वाली सूरत है। तो बस ये मसला बता दिया कि 45 डिग्री के बाहर निकलेगा तो क़िबला रुख तब्दील हो जाएगा और नमाज फासिद हो सकती है, लिहाजा इसमें अंदाज़ा काम करेगा कि भाई बहुत ज़्यादा तो नहीं घूम गया, थोड़े से घूमने में आप 45 से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन ज्यादा घूम जाएंगे तो आपका जहन खुद कहेगा कि ये बहुत ज्यादा हो गया, तो वो 45 से बाहर होता है, तो एक अंदाजा है। लिहाजा इसका फायदा ये होगा कि आप ये जान लेंगे कि भाई ये थोड़ा सा किसी का जो धक्का लगा था उससे मेरी नमाज फासिद हो गई या बाकी है, और ये उस वक्त आपको फील होगा चलो फासिद हो गई तो क्या हुआ मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ, लेकिन जब वो सलात तस्बीह पढ़ रहा हो और चौथी रकत में हो तो पता चलेगा, फिर उसको कोई धक्का देना तो फिर वो बताएगा आपको कि मैंने इतनी मेहनत से इतनी लंबी तीन रकतें पड़ी थी और चौथी में तूने मेरा डायरेक्शन घुमा दिया, तो अगर उसको मालूम होगा कि भाई इतना घूमने में नमाज फासिद नहीं होती है वो मुतमईन रहेगा। तो ये सीखने का फायदा होता है कि थोड़ा बहुत अगर डायरेक्शन घूम भी गया या नींद में था और एकदम झोंका आया और हिल गया और फिर सही हो गया तो बस उसको अंदाजा करना है कि 45 से बाहर तो नहीं हो गया, और हो गया तो इसका मतलब ये है के नमाज। और इसमें भी बात वही है कि आप जानबूझकर घूमे हैं या किसी वजह से घूमे हैं उज़्र की बिना पर, तो जानबूझकर घूमेंगे तो घूमते ही नमाज फासिद हो जाएगी, लेकिन अगर उज़्र की बिना पर के धक्का लग गया और 45 से भी बाहर निकल गया लेकिन तीन सुबहान अल्लाह से पहले पलट आया तो उसको मोहलत मिलेगी। तो जिसके साथ उज़्र हो उसने खुद कोई कार्रवाई ना की हो तो उसको शरीयत मोहलत देती है तीन सुबहान अल्लाह की मकदार, लेकिन वो खुद ही झूम रहा होगा जैसे नाते पढ़ते हुए झूमते हैं, तो अगर वो इस तरह नमाज में झूम रहा होगा तो फिर तो ये खुद कर रहा है, और अगर इसमें ये बाहर निकल गया तो फिर इसको एक सुबहान अल्लाह की मोहलत भी नहीं मिलेगी। लिहाजा अदब का तकाजा है कि बिल्कुल मुतवज्जे होकर साकित रहे इंसान, बिल्कुल साकित रहे और उसी की तरफ मुतवज्जे हो जिसकी बारगाह में हाजिर हुआ है, बिल्कुल तवज्जो जिस तरह दुनिया की तरफ तवज्जो होती है ना अपने काम काज में, बिल्कुल हटकर काम नहीं करता है। एक कारपेंटर कोई टेबल बना रहा है तो किसी की बात नहीं सुनेगा, भाई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी, मेरा माल खराब हो जाएगा, अपना माल लग रहा हो तो ज्यादा एहतियात करता है, सेठ का लग रहा हो तो फिर भी गड़बड़ चल जाती है लेकिन अपने माल में गड़बड़ नहीं चलती। इसी तरह मार्बल वाला कटिंग कर रहा हो तो बातें नहीं करेगा कि भाई टूट ना जाए, कहीं कोई मसला ना हो जाए, मेरा माल खराब हो जाएगा, तो उसकी तवज्जो कैसी होती है काम की तरफ। बस जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो तो तवज्जो यकसुई बिल्कुल उसी की तरफ, और अल्लाह ताला ने हमें ये इतने जो बॉडी लैंग्वेज सिखा दी कि खड़े हो रहे हैं, रुकू में जा रहे हैं, समी अल्लाह लिमन हमीदा, और फिर सजदे में जा रहे हैं, इतना जो हम अपने उठक बैठक कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, रुकू में जा रहे हैं, इस पर भी देखो गौर करो तो अल्लाह ताला हमें ये सिखा रहा है कि तेरी हर जुम्बिश, तेरा हर हिलना ये इस बुनियाद पर हो अल्लाह अकबर,
جب اللہ اکبر کی صدا آتی ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ سائز میں تو بڑا نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے مبرہ اور منزہ ہے، لیکن اللہ کیسا کبریا ہے کہ اس نے کتنی بڑی کائنات بنائی، اس گویا کہ یہ جو آسمان بنا ہے ایک ببل ہے، ایک غبارہ ہے، اور اس کے اندر ساری دنیا کو بند کر دیا، جیسے غبارے والا غبارہ بیچ رہا ہوتا ہے، ایک بڑا غبارہ کھلا کے چھوٹے چھوٹے اس میں ڈال دیتا ہے، اللہ نے یہ پورا آسمان بنایا اور اس میں پوری دنیا کو بسا دیا اور اس کا سرا ہی نہیں مل رہا، اتنا بڑا غبارہ، اتنا بڑا ببل، اس کا سرا ہی نہیں مل رہا، اتنی بڑی اس کی یہ مخلوق، جس کے وجود کا ختم ہونا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا انسانی اعتبار سے، تو اس کے اوصاف اور کمالات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حجم کے اعتبار سے جس عظیم رب نے اتنی بڑی عظیم کائنات بنا دی، اس کی کبریائی اور اس کے بڑا ہونے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کی عظمت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو تم اکثر ذکر کرتا ہوں کہ تم چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تو اس میں یہ کمال، اس میں یہ اوصاف، اس میں یہ فائدہ، اور جھکے چلے جا رہے ہوتے ہو۔ بندے اگر تو اللہ کی کبریائی پر غور کر، تو اللہ کی کبریائی ہی تیری راہ کو متعین کرتی ہے، تیرا اٹھنا بیٹھنا متعین کرتی ہے، کہ جب تو اللہ کی کبریائی کو جانتا ہے تو کہتا اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، اس کا مطلب یہ کہ ساری دنیا کی چیزوں کو اٹھا کر پیٹ کے پیچھے پھینک دیا، اللہ اکبر، اور اس کے سامنے ادب سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی کبریائی کو جانا تبھی تو اس کی طرف متوجہ ہوا، پھر مزید دوبارہ جب رکوع میں جا رہا ہے تو اسی کی کبریائی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اللہ اکبر، وہ عظیم تر ہے، بندہ کہ جھک جاتا ہے کہ وہ کبریا ہے، وہ عظیم تر ہے، تو اسی کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے۔ آپ رکو جتنا کسی کے سامنے جھکو گے آپ کو ذلت محسوس ہوگی۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لفظوں کی صورت میں بندہ نہیں جھکتا ہے، بھائی میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں جھکوں، تو یہ تو فزیکلی باڈی لینگویج کے ذریعے جھکنا انتہائی ذلت کا معاملہ ہے، لیکن بندہ جب اللہ کی کبریائی پر غور کرتا ہے تو خوشی کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے کہ اللہ اکبر، وہی سب سے بڑا ہے، بزرگ ہے، برتر ہے، لہٰذا یہ والی ہے تو اسی کے لیے اختیار کرنی چاہیے۔ اگر اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ گے تو تمہیں وہ بلندی عطا کرے گا۔ نبی کریم نے فرمایا من تواضع للناس رفعه الله، کہ جس نے اللہ کے لیے توازو اختیار کی اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو اے بندے، جب تو اللہ کا نام سن کر اس کی کبریائی میں غور کر کے اپنی حرکت اور سکون کو متعین کرتا ہے، اس کے اللہ اکبر کو سن کر اس کی کبریائی میں غور کر کے تو جھک جاتا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی حمد کی ہے، اللہ اکبر، اس کی کبریائی کی طرف تصور جاتا ہے تو اپنے جسم کا اعلیٰ ترین حصہ زمین پر مٹی میں رکھ دیتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کہ جس کو تو بھاری سمجھ رہا ہے فجر کے وقت میں یا دیگر مصروفیتوں کے اوقات میں کہ میرا کام ہے، میں کیا نماز پڑھوں، میں پڑھ لوں گا بعد میں، یہ جس کو تو گراں سمجھ رہا ہے یہ تجھے ہزاروں سجدوں سے نجات دے دے گا، ہزار طرح کی غلامیوں سے نجات دے دے گا، تیرے جیب میں ایک ٹکا نہیں ہوگا، اور تجھے ایسا اطمینان قلب اور سکون عطا کر دے گا اللہ تعالیٰ کہ تجھے کسی کی پرواہ ہی نہیں ہوگی، ایسا غنا اور بے پرواہی وہ غنی عطا کر دے گا اپنے اس بندہ غنی کو۔ لہٰذا اس کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو حضوری قلب پر مشتمل ہوں، خشوع اور خضوع پر مشتمل ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی چاشنی سے ہمارا دل لبریز ہو، اور جب اللہ پکارا جائے تو ہمارے کلیجے میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نمازوں کی توفیق اور اس ایسی عبادات اور ایسے سجدوں کی لذتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔